मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, माल की मोहब्बत ने इन्हें थका दिया हत्ता के ये कब्र में पहुंच गए। मटीरियलिस्टिक माइंडसेट, पैसा पैसा पैसा, फैशन ग्लैमर दिस एंड दैट, कार आई शुड हैव दिस आई शुड हैव दैट, गलत माइंडसेट की वजह से पूरी वैल्यूज गलत हो गई, पूरा बिहेवियर चेंज हो गया, पूरी आइडेंटिटी चेंज हो गई। इतना रॉन्ग माइंडसेट, इस चीज ने इतना नुकसान किया, इतना नुकसान किया। यकीन करें अब आइडल वर्शिपिंग खत्म हो गई, अब मटीरियलिज्म की वर्शिप। हम लोग इतने मटीरियल हो गए हैं, शादी करते हुए कभी ये नहीं देखते बच्चा नमाज पढ़ता है, या ये कैसा इंसान है, या इसकी वैल्यूज क्या है, या इसकी सोच क्या है। सिर्फ ये देखते हैं इसकी जॉब कैसी, सिर्फ ये देखते हैं कितने पैसे कमाता है, औरत से शादी करते हुए सिर्फ ये देखते हैं इसका रंग क्या है, सिर्फ ये देखते हैं इसका कद कैसा है। आपको पता है इस रॉन्ग माइंडसेट ने कितना बेड़ा गर्क किया है? मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त यूथ क्या कर रही है, आपको बेहतर पता है। लिटरली जहन्नम के धाने पे खड़े हुए जिना कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रॉन्ग माइंडसेट। के पेरेंट्स कहते हैं नहीं अभी इसकी एज नहीं हुई, नहीं जब तक ये कोका कोला का मैनेजर नहीं बन जाता इसकी शादी नहीं करनी, नहीं जब तक जो है ये वेल सेटल नहीं हो जाता हमने इसकी शादी नहीं करनी। आपको क्या पता वो क्या कर रहे हैं? आपको पता है, आपको पता लग जाए आपकी रूह कांप जाए आपके बच्चा और बच्ची क्या कर रहे हैं। वो जहन्नम के धाने पे खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि अभी ये जॉब करेगा, आपके घर में आग लगी हुई है और आप पैसे कमाने में लगे हुए, आपको समझ नहीं लग रही। इसी के साथ यूथ के लिए कि आपके पेरेंट्स आपकी पता है क्यों शादियां नहीं करते, आप शिकायत करते हैं क्यों नहीं करते, क्योंकि आप पैम्पर्ड हैं। आपने कभी अपनी बेडशीट ठीक नहीं की तो आपने बीवी को क्या संभाला, आपने तो कभी कोट उतार के अलमारी में नहीं रखा, आपकी शादी उन्होंने क्या करनी, इसलिए नहीं करते। ये भी समझो, अपनी गलती भी समझो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शो करें ना। पेरेंट्स बिल्कुल आपकी बात सुने, रॉन्ग माइंडसेट की वजह से रिश्ते लेट हो रहे हैं, जिना कर रहे हैं लोग। हमारी सिस्टर्स बैठी हुई हैं 30-30 साल की उम्र में, बिकॉज ब्रदर्स का माइंडसेट गलत है, वो खूबसूरत नहीं है, वो ऐसी है, उसकी एज ऐसी, वो डिवोर्स्ड है। कितनी डिवोर्सी सिस्टर्स बैठी हैं घर में, सिना कर रहे हैं, इलीगल रिलेशंस बना रहे हैं, क्या करें वो, किया क्या आपने उनके साथ, उन्हें उन स्कूलों में डाल दिया जो को एजुकेशन है, उन यूनिवर्सिटीज में डाल दिया जो को एजुकेशन है, घर में वो ड्रामे देख रहे हैं, गन देख रहे हैं, लैपटॉप उन्हें पकड़ा दिया, वाईफाई उन्हें दे दिया, स्काइप पे वो क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वो क्या क्या कर रहे हैं, तो करें क्या, आपने किया क्या उनके साथ। तो अब चूंकि ये आपने कर दिया है तो फिर उनका कोई इंतजाम भी तो करें ना, या फिर शिकायत ना करें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रातों को क्यों जाग रहे हैं, वो रातों को पता नहीं क्या क्या करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अब तो छोटी सी डिवाइस आ गई ना, पहले तो पता लग जाता था पीसी पे बैठे हुए, लैपटॉप बैठे हैं, अब बस अल्लाह ही हाफिज। खुदा के लिए इसी रॉन्ग माइंडसेट की वजह से खानदान उजड़ते हैं, बड़ों की लड़ाई ईगो की वजह से, मटीरियलिज्म की वजह से। क्या कसूर है उस बच्ची का जिसको आपने घर में बिठा लिया है? अल्लाह को जवाब नहीं देना आप लोगों ने, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ईगो एंड योर रॉन्ग माइंडसेट आपने जो है वो अनाकोंडा बिठाया हुआ ऊपर, और उस अनाकोंडा को आप हटाने का नाम नहीं ले रहे, और उसकी वजह से रिलेशंस टूट रहे हैं, उसकी वजह से जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं।